अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास थ्री और इसका हमारा टॉपिक है द ह्यूमन बॉडी। बुक पेज नंबर 7 हासिल नहीं करना है और लेक्चर नंबर ये है हमारा 6। कल हमने जो आईज का अबाउट हमने पढ़ा था पहले, उसके क्वेश्चन आंसर्स किए थे। क्या आई होप सो कि आपने वो अपने नोटबुक्स पर मेंशन किए होंगे। आज हम देखेंगे पेज नंबर 7 से ईयर्स के वो। ठीक है, यहाँ पर सामने आपके ह्यूमन ईयर की मैंने बैकग्राउंड ड्रा की हुई है। ह्यूमन ईयर जो होता है बेसिकली वो उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो आउटर ईयर है, जो हमें बाहर से नजर भी आ रहा होता है। ठीक है, आउटर ईयर। आउटर ईयर के बाद आगे जो सेक्शन हमारा आता है वो है मिडिल ईयर का, और मिडिल ईयर के बाद सबसे एंड में जो हमारा ईयर का सेक्शन है, पार्ट है, वो क्या है, इनर ईयर। ये 3 पार्ट्स हैं। और हम क्या करते हैं, जो आवाज़ें मुख्तलिफ सुनते हैं, अपने जो वर्ड है उसके इर्द गिर्द हमें बहुत सी आवाज़ें आती हैं, हम सुनते हैं, हमें इसकाबिल कौन बनाता है, ये आवाज़ें सुनने किसकी वजह से हम सुनते हैं, हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है, तो वो क्या है, हमारे ईयर्स हैं। ह्यूमन ईयर्स जो हैं वो हमें इसकाबिल बनाते हैं, हमारे ईयर्स, कि हम क्या कर सकें, अपने इर्द गिर्द जो आवाज़ें हैं उनको सुन सकें। तो ईयर जो है वो सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग है, यानी कि सुनने की जो हमारी सेंस है उसका ऑर्गन कौन सा है, ईयर्स। ईयर्स की वजह से हम आवाज़ों को सुन लेते हैं। इसी तरह से ये हमें क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बैलेंस रखने में भी हेल्प करते हैं। क्या हमारी बॉडी को भी क्या करते हैं, बैलेंस में रहते हैं, कि हम अगर खड़े हैं बैलेंस में हैं तो किस वजह से हैं, कि हमारे ईयर्स इस चीज में हमारी हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे ईयर के अंदर ह्यूमन बॉडी में 3 बोन्स होती हैं। ठीक है, हैमर, एनवल एंड स्टीरियम। और ये कहाँ होती हैं, जहाँ प्रेजेंट होती हैं, हमारे ईयर के अंदर। ठीक है, हमारे ईयर के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं 3 बोन्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब जो ईयर की अबाउट फंक्शनिंग है इसकी, कि क्या काम करता है, किस तरह से हमें ये हेयरिंग करने में हेल्प आउट करता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कोई आवाज़ हम तक पहुँचती है तो वो हमारे आउटर ईयर में एंटर होती है। ठीक है, कोई भी आवाज़ है वो हमारे आउटर ईयर में एंटर होगी। आउटर ईयर से होती हुई वो आगे कहाँ आती है, आवाज़ अपना रास्ता बनाते हुए मिडिल ईयर में आएगी। ठीक है, यहाँ मिडिल ईयर में आएगी, और मिडिल ईयर में आने से क्या होगा, जब वो मिडिल ईयर में आएगी यहाँ पर, तो आवाज़ आके फिर हमारे ईयर ड्रम के साथ वाइब्रेट करेगी। कोई भी आवाज़ है सुबह हमारे कान में एंटर हुई है तो वो फिर ईयर ड्रम के साथ क्या करेंगी, आके वाइब्रेट करेगी। एयर ड्रम क्या करेगा, उस साउंड को, जो आवाज़ हम सुन रहे हैं, उसको वाइब्रेशंस में टर्न कर देगा। ठीक है, फिर वो वाइब्रेशंस जो हैं वो आगे हमारे इनर ईयर में आती है। ठीक है, वो वाइब्रेशंस जो हैं फिर वो मिडिल ईयर से आगे हमारे इनर ईयर में एंटर होती हैं। तो वो वाइब्रेशंस जब इनर ईयर में एंटर होगी तो इनर ईयर के जरिए से आगे फिर ये हमारे ब्रेन में कन्वे की जाती है, ब्रेन में सेंड की जाती है। और फिर हमारा ब्रेन हमें ये बताता है कि जो आवाज़ हम सुन रहे हैं वो किस तरह की है। ठीक है, इस सारी चीज़ में कौन हमें हेल्प करता है, हमारा ब्रेन। तो यही है कि साउंड जो है वो किस तरह से जाती है, और फिर हमें ब्रेन जो है, हमारी ब्रेन वो मेक सेंस करता है कि साउंड जो है वो किस तरह की है। अंडरस्टैंड। अब अभी इसी के साथ है डिड यू नाउ में, कि जो आपके ईयर हैं जब आप सोए होते हैं तब भी वो कंटिन्यूसली आवाज़ें सुन रहे होते हैं। ये नहीं कि हम सोए हैं तो अगर हमारे करीब कोई बोल रहा है तो हमारे ईयर्स जो हैं वो बंद हो गए हैं सोने की वजह से, कि हम सोए हैं तो ईयर्स भी बंद है, जब कोई आवाज़ नहीं हम सुन सकते। नो, बल्कि क्या है, अगर हम सोए हों तब भी हमारे ईयर्स जो हैं वो आवाज़ों को सुन रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसलिए ताकि अगर हमारी बॉडी को कोई डेंजर हो, कोई खतरा हो किसी किस्म का, तो वो क्या कर सके, फौरन से हमारी बॉडी जो है वो रिएक्ट कर सके। ठीक है, तो इस वजह से अगर हम सोए हो तब भी हमारे ईयर जो है वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली आवाज़ों को सुन रहे होते हैं। अंडरस्टैंड। तो आई होप सो कि आपको इस पेज की बहुत अच्छी से समझ आई होगी। आपने भी क्या करना, सिंपल सा है कि यहाँ पर आपके लेवल के हिसाब से एक्सप्लेन है कि आवाज़ों को आपने देखना है, वो आउटर ईयर में आएंगी, आउटर ईयर के बाद इनर ईयर में आनी है, इनर ईयर में आएंगी तो फिर वो क्या होगा, हमारे ईयर, सॉरी, मिडिल ईयर में आएंगी, मिडिल ईयर से वो हमारे ईयर ड्रम के साथ टकराएंगी। ओके, तो फिर क्या होगा,
वो ईयर ड्रम जो है उन साउंड्स को वाइब्रेशंस में चेंज कर देगा, इनर ईयर में आएंगी, इनर ईयर में आकर फिर क्या करेंगी, आगे हमारे ब्रेन तक जाएंगे और ब्रेन हमें बताएगा कि जो आवाज़ें हम सुन रहे हैं वो किस तरह की हैं। ठीक है, तो आपने इस पेज को अच्छी तरह से घर में रीड आउट करना है, जो ईयर की डायग्राम है इसकी आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, डिफरेंट कलर्स यूज करें, जैसे उन्होंने यूज करके तो वो सारी चीज़ों को क्या किया हुआ है अलग अलग से एक्सप्लेन किया, बताया हुआ, पता चल रहा है हमें कि ये ईयर का ये वाला पार्ट है, ये ईयर का ये वाला पार्ट है बुक से। ओके, तो कल इंशाल्लाह ताला हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।